इधर झारखंड की जनता इन दिनों दोहरी मार झेल रही है। एक तरफ प्रचंड गर्मी ने लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल कर दिया है, तो दूसरी ओर बिजली कटौती ने उनका घर में रहना दूभर कर दिया है। आलम यह है कि प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता गर्मी के बीच बिजली कटौती से त्राहिमाम कर रही है। देखिए क्या स्थिति है। झारखंड में एक तरफ आसमान से आग बरस रही है, तो दूसरी तरफ बिजली की आंख मिचोली से प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता त्राहिमाम कर रही है। झारखंड की राजधानी रांची के अलावा सूबे के 24 जिलों में बिजली की लचर व्यवस्था लोगों को खून के आंसू रुला रही है। प्रचंड गर्मी में लोग बिना बिजली के गुजारा कर रहे हैं और विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधि हैं कि दावे से बाज नहीं आ रहे हैं। झारखंड में एक बार फिर बिजली संकट ने लोगों का जीना दुभर कर दिया है। 24 घंटे में लोगों को सिर्फ 8 से 9 घंटे तक बिजली मिल पा रही है। अब इस भीषण गर्मी में बिना बिजली के लोग गुजारा कैसे कर रहे हैं, ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। हालांकि परेशानी सिर्फ आम जनता को ही नहीं है, बल्कि राजधानी रांची के अलावा कई जिलों में उद्योग धंधे ठप हो गए हैं। लोग मोमबत्ती और इमरजेंसी लाइट्स के सहारे दिन काट रहे हैं। बिजली संकट से परेशानी तो है, आम जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। रात में पता चला कि सोए हुए हैं, 2 बजे रात में लाइट कट गया, अब फिर उठना पड़ रहा है आधा घंटा, फिर इधर पंखा झल रहे हैं, उसके बाद आया फिर सोए। बिजली संकट से बहुत लोग परेशान हैं, यहाँ तक कि फ्रिज में पानी भी ठंडा नहीं हो पा रहा है और गर्मी है ही, बहुत ज़्यादा परेशानी। बच्चे पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, परेशानी तो बहुत है। सरकार को सोचना चाहिए, आखिर इतना बिजली कटे वो भी राजधानी में क्यों हो रहा है। हाँ भैया, बहुत परेशानी है, गर्मी में तो ज़्यादा ही परेशानी हो गया, ठंडा वगैरह में तो कम कटता है लेकिन अभी बहुत ज़्यादा, घंटा घंटा दो घंटा तक बिजली कटता है। इस गर्मी में बिजली कटना आप भी समझ रहे हैं, परेशानी तो है। सरकार को अपने समझना चाहिए, लेकिन सरकार में जो लोग बैठे हैं वो अपने जनता के विषय में थोड़े सोचते हैं, उनको इससे क्या मतलब, बिजली है नहीं, वो जहाँ रहते हैं वहाँ जनरेटर व्यवस्था होगा, सब व्यवस्था होगा, उनको इससे क्या मतलब। समस्या तो बहुत हो रही है, रात को बच्चा लोग उठ जाते हैं, लाइन रहने नहीं कारण बहुत तरह का दिक्कत है, पानी का दिक्कत हो जाता है। सरकार को एक ऐसा पहल करना चाहिए कि जैसा ठंडा में बरसात में बिजली का सही उत्पादन होता है, वैसा गर्मी में भी होना चाहिए। सरकार में को इस पर पहल करना चाहिए कि भाई सबके बाल बच्चा है, सबको दिक्कत होती है, खाली आप बड़े बड़े फ्लैट में देखिए तो बड़ा बड़ा जनरेटर लगा हुआ है, बड़ा बड़ा हर तरह का सोलर प्लेट लगा हुआ है, लेकिन हमारे गरीब के झोपड़ी में बल्ब जलने के लिए भी बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। एक तरफ जनता बिजली के लिए हाहाकार कर रही है, तो दूसरी ओर गुल हुई बिजली ने प्रदेश की सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। बीजेपी और सत्ता पक्ष में प्रतियोगिता शुरू हो गई है, जहां बीजेपी का दावा है कि उनकी सरकार में झारखंड को 18 से 22 घंटे तक बिजली मिलती थी, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष का कहना है कि झारखंड में बिजली आपूर्ति निर्बाध नहीं हो रही है, लेकिन प्रदेश सरकार इसके लिए कवायद कर रही है। और बिजली विभाग में तो कह सकते हैं भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का पूरा दोनों मिला जुला स्वरूप, और उस विभाग के मंत्री मुख्यमंत्री हैं, इसलिए सारा अगर आज झारखंड की 3.25 करोड़ जनता बिजली से परेशान है, बिजली नहीं आने के कारण परेशान है, तो मैं सीधा कह सकता हूं कि इसके लिए मुख्यमंत्री दोषी हैं और दोषी मुख्यमंत्री हैं, और इसके लिए उनको जनता से क्षमा याचना करें। उसमें हम लोग भी लगे हुए हैं, थोड़ा सा बिजली संकट गर्मी के दिन में आता ही है, लोड ज़्यादा होता है, आदमी एसी है, फ्रिज है, ये सब चलाते हैं तो लोड ज़्यादा हो जाता है, इसके लिए हो रहा है। इसके बाद भी बिजली अच्छा ही है, माने ज़्यादा खराब नहीं है, उस वक्त भी थी समस्या थी, ऐसा नहीं है। बहरहाल मामले पर सियासत तो होती रहेगी, लेकिन सवाल जनता की परेशानी का है। अब बिजली की आपूर्ति क्यों नहीं हो पा रही है, ये देखना और समस्या का हल कर पाना सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि बयानबाजी और दावों से तो इस समस्या का हल होने से रहा। इस भीषण गर्मी में जहां प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव जैसे हालात बन रहे हैं, ऐसे में बिना एसी और पंखे के रहना भी किसी जंग लड़ने से कम नहीं है। जरूरत है कि सरकार जल्द से जल्द इस परेशानी का निपटारा करे, ताकि जनता को दोहरी मार ना झेलनी पड़े। रांची से सूरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, बिहार, झारखंड।